शहर में बेहाल हो चुकी सड़कों की वजह से आम जनता का जीना मुहाल हो चुका है। रास्तों पर 40% गड्ढे बढ़ गए हैं, जिसके निराकरण को लेकर महापौर दयाशंकर तिवारी ने बैठक ली थी, जिसके बाद लिए गए फैसले और रोड संबंधी जानकारी को लेकर महापौर ने जनता से अपनी जानकारी साझा की। साथ ही प्रशासन को लेकर हो रही मदद पर भी महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रकाश डाला। नागपुर महानगर पालिका की आज विशेष सभा थी और इस विशेष सभा में इस शहर के विकास के दृष्टि से एक सकारात्मक, इस शहर के सभी की सुविधा के दृष्टि से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। विशेष रूप से मैं उल्लेखित करना चाहूँगा कि गत माह में 27 तारीख को एक बैठक हुई, वह भी विशेष बैठक थी, जिस विशेष बैठक में इस शहर के विकास के दृष्टि से प्रशासन के द्वारा लिए गए कार्यों पर चर्चा की गई। कॉर्पोरेशन के इतिहास में यह पहला मौका था कि प्रशासन से पूछा गया कि प्रशासन ने किस प्रकार का विकास कार्य किया है, उसकी जानकारी सभागृह के पटल पर रखे। और उस सूचना में प्रशासन ने कहा था कि पिछले 1.5 वर्षों से काम न होने के कारण रस्तों की सड़कें रास्ते खराब हो गए हैं, अवस्था बिगड़ गई है और पिछले 1.5 वर्षों से काम न होने के कारण शहर के सड़कों पर 40% गड्ढे बढ़ गए हैं। 27 तारीख की सभागृह में हमने रूलिंग दी थी कि इसको सुधारने के दृष्टि से दिसंबर तक ये सारी सड़कें सुव्यवस्थित हो जाए, इस दृष्टि से प्रशासन को जो उपाय योजना करनी है उसके लिए लगने वाली निधि जो है, इस निधि का व्यवस्थापन बजट के अन्य पदों में जो राशि रखी गई है उन राशि को रास्ते के काम में परावर्तित करते हुए यह काम करने का एक सकल प्रस्ताव सभागृह के पटल पर रखा जाए। मैं प्रशासन का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि 27 तारीख को हमने 15 दिन का समय दिया था और प्रशासन ने 15 दिन से पूर्व हमें वो सूचना दी और जिसके आधार पर हम लोग आज 13 तारीख को अर्थात 16वें दिन सभागृह में चर्चा करके उस विषय पर निर्णय ले सकें। प्रशासन ने कुल मिला के 36 करोड़ रुपए की राशि है, 36.5 करोड़ रुपए की राशि है जो हमें बजट में सड़क सुधारने के लिए और शहर के कचरे के व्यवस्थापन के लिए बढ़ा करके दिए हैं। इसका मैं अगर उल्लेख करना चाहूँ तो हॉटमिक्स से हम जो सड़क का निर्माण करते हैं, उस हॉटमिक्स से सड़क का निर्माण करने वाले मद में 8 करोड़ रुपए की राशि प्रशासन ने बढ़ा करके दी है। इससे सड़कों के, जिन सड़कों पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं उन्हें पूर्ण रूप से डामरीकरण करके नई सड़क का स्वरूप दे सके, यह उसमें विशेष रूप से समाविष्ट है। दूसरा विषय शहर के अन्य रास्तों का डामरीकरण, इसमें भी 5 करोड़ रुपए की राशि प्रशासन ने बढ़ा करके दी है, जिसके अंतर्गत भी शहर की डामरीकृत सड़कों में जहां गड्ढे हो गए हैं उनका स्वरूप हम लोग तत्क्षण सुधार सके, इस दृष्टि से हमने निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज रस्ते विकास मंडल, अर्थात यह वो सड़कें हैं जो IRDP के अंतर्गत हमने डेवलप की थी और उसका भी मेंटेनेंस पिछले 1.5 वर्षों से ना होने के कारण वहाँ की भी स्थिति खराब है, इसलिए 10 करोड़ रुपये का नियोजन उसके लिए भी किया गया है। और इस शहर की स्वच्छता के दृष्टि से जो प्रकल्प हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें 10 करोड़ रुपए का नियोजन किया गया है। इस प्रकार से 36.5 करोड़ रुपए का नियोजन शहर की सड़कों के सुव्यवस्थीकरण के लिए किया गया है। एक बात का मैं और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, ये काम में गतिशीलता आनी चाहिए। डामरीकरण का काम केवल कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे नहीं होना चाहिए, इसलिए महानगर पालिका अपने हॉटमिक्स प्लांट की पूर्ण गतिशीलता से काम कर रही है। और इसी के साथ साथ नागपुर सुधार प्रन्यास का जो हॉटमिक्स प्लांट है, उस हॉटमिक्स प्लांट को भी नागपुर महानगर पालिका ने 10 दिन के लिए लीज पर लिया है और उससे उत्पन्न होने वाला सारा उत्पाद नागपुर शहर की सड़कों के व्यवस्थितकरण के लिए, सुधार के लिए हम लोग नियोजित कर रहे हैं। इस दृष्टि से प्रशासन जैसे ही बारिश रुकी अपनी सूचना के अनुरूप गतिशीलता के साथ में यह काम में लग गया है। आज की सभा नागपुर महानगर पालिका के इतिहास में एक ऐतिहासिक सभा रही, कारण आज तक हमने यही देखा है कि दिसंबर के महीने में कमिश्नर बजट का रीअप्रोप्रिएशन करता है और बजट का रीअप्रोप्रिएशन करते समय बजट में कटौती करने का काम, कैंची चलाने का काम कमिश्नर के माध्यम से किया जाता है। आज ये पहली सभा महानगर पालिका के इतिहास में ऐसी रही कि जिस सभा में निगम आयुक्त ने विकास कामों के लिए अन्य पदों में जहां का पैसा अखर्चित रह सकता है उन पैसों का नियोजन करके शहर के सड़कों की सुस्थिति करने के लिए 36 करोड़ रुपए की राशि हमें प्रदान की।
और सभागृह में माननीय आयुक्त महोदय ने तफसील जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले जो 802 नाम का हमारा हेड है, उस हेड में से केवल 65% काम होते थे। इस वर्ष नियोजित राशि में से 96% के हम लोग काम को स्वीकृति दे चुके हैं, और एडिशनल जो किया है अगर इसको हमने जोड़ लिया तो ये टोटल राशि में 120% काम हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। एक सकारात्मक सोच के साथ में शहर के पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, हमारे लेखा वित्त अधिकारी ने और निगम आयुक्त ने इस शहर की मूल समस्या को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लेकर इस क्षण को ऐतिहासिक बनाया, इसलिए मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और महानगर पालिका के सभागृह के वे सारे सदस्य जिन सदस्यों ने इस विषय को तुरंत मंजूर प्रदान करी, तत्क्षण मंजूर प्रदान करी, उनका भी मैं हृदय से अभिवादन करना चाहता हूँ। और जो सम्माननीय सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं उन सूचना के साथ इस विषय को मंजूर किया गया है।